सब कुछ हो गया है, अभी सिर्फ फ्लाइट है। वेटर फ्लाइट ऑन टाइम है, 17-20 आवर्स की फ्लाइट है स्पाइस जेट की। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके चैनल सीआरके व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आ गए नई वीडियो के साथ। ये वाला जो वीडियो है वो मेरे पिछले वीडियो का पार्ट टू है, ऐसा बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी है, या फिर कौन सा हिस्सा नहीं अच्छा लगा है, कुछ भी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियोस पे और काम कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी जाऊंगा अमृतसर, अमृतसर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू मुंबई। बहुत लंबा रहना है, कल शाम तक पहुंचेंगे ना मुंबई में। जितने भी हैं सब अमृतसर वाले ही हैं। अभी सबसे पहले टिकट बुक कर रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, तो उसके अप्लाई करने से पहले आपको मेडिकल होगा, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी, एंटीजन आई थिंक मेडिकल रहता है, रैपिड टेस्ट बोलते हैं, तो वो रहेगा। आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, तो सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको 40 दिरहम पे करना पड़ता है, जो कि तकरीबन इंडिया का हो गया 800 रुपया। ठीक है, वो 800 रुपया पे करके एंड देन फिर आप चेक इन काउंटर पे जाओ, अपना लगेज वगैरह जमा करो, वो सर्टिफिकेट वगैरह आपको दिखाना पड़ता है, एंड देन अपने पास रखो। और एयरलाइंस जो है आपको एक फॉर्म देती है अपना एड्रेस आपको भरने के लिए, कि वो एड्रेस आपको बताना है कहाँ जाना है आपको, एंड देन बस इमिग्रेशन क्रॉस करो, क्रॉस करके आगे बैठ जाओ। इतना आसान नहीं है, दीज आर चार्टर्ड फ्लाइट्स। तो चार्टर्ड फ्लाइट्स का क्या है, आपको ऑनलाइन कहीं नहीं दिखेगा, आपको लोकल एजेंट पकड़ना पड़ेगा, जो ट्रैवल एजेंट्स रहते ना उनके पास ही ये टिकट्स आती हैं, और किसी के पास नहीं। क्यों, मैं 2 दिन से ढूंढ रहा था, कोई फ्लाइट नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा था। रोड की इधर यहाँ पे जेट एयरवेज की फ़्लाइट खड़ी है, बट उस पर स्पाइस जेट लिखा है, या तो ये जो सामने है ये देख रहे हो, वो पेंट वगैरह मार के उसका लोगो हटा के उस पर स्पाइस जेट लिखा है, बट पेंटिंग अभी भी जेट एयरवेज़ की आई थी, या तो उन्होंने चार्टर पे लिए हैं फ़्लाइट्स इनकी, या फिर क्या है, आई डोंट नो। बिजनेस लॉन्च, ट्रैवल लॉन्च सब बंद पड़े हैं, क्योंकि पब्लिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, ड्यू टू कोविड। दुखी कर रखा है ये कोविड ने, परेशान कर दिए यार। चलो ठीक है, जब तक घर नहीं पहुँचा तब तक शांति नहीं आएगी। एक बार घर पहुँच गया आराम से, क्वारंटाइन है 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहेंगे। और आपको, आपने वो वीडियो देखा रहेगा पहले, क्या हालत है बाहर, इतनी गर्मी में बैठे हैं लोग, और ऊपर से अपने इंडियंस जो है ना, इतनी मतलब पढ़े लिखे कौम है ना ये, कि आपको क्या बताएं, हर जगह पे लिखा है सेफ डिस्टेंस, कीप सेफ डिस्टेंस। ठीक है, और ये भाई लोग अपने जब मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए वो डॉक्टर्स आए ना, तब ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, देखा आपने ना वीडियो में, वो मतलब पूछो मत, इनको ये नहीं है अभी भाई सबको मिलेगी, जहाज़ आपको कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं है, जहाज़ आपको लेके ही जाएगा, जब आपकी टिकट है सब है, मेडिकल हो रहा है उसके बाद ही होगा। क्यों इतना घाई करते हो यार, आराम से रखा करो, बैठा करो, आराम से चिल मारो। ठीक है, 1 मिनट से आप कहीं ज़्यादा, आपको अंदर आके भी वेट ही करना है, 3 घंटे के बाद, 3 घंटे का आपको, आपके पास टाइम है चेक इन के बाद, क्या करोगे अंदर आके, बैठना ही है। थोड़ा अपना यार, अपनी सेफ्टी खुद रखो, दैट्स ऑल, यही कहूँगा और क्या है, बाकी तो सब समझदार हैं। बच्चों के लिए घर पे, और भांजा है उसके लिए भी पीपी किट मिली है, तो ये पहनेंगे और फिर जाएंगे डॉक्टर बनके। साधु वाले अवतार में आ चुके हैं, घर देख रहा है इतनी शायद साफ नहीं है अच्छे से, और पीपी किट देते हैं ये फ्री में,
कोई चार्जेस नहीं है। आई डोंट नो, अगर वहाँ पे जाके लेंगे तो पता नहीं, बट आई एम श्योर नहीं होगा, क्योंकि अगर लेना होता तो यहीं पे चार्जेस ले लेते। आई थिंक ये ख़राब है, धुंधली है, पता नहीं क्या आ रहा है इसमें, आई डोंट नो। चलो जादू बन गए, जादू कवर लगा हुआ था तो वो कवर नहीं उतारा था, ये नहीं जितने मन से बाबा बाहर यही बंदे एक दूसरे की ऑलमोस्ट पक्षियाँ लेने के हुए पड़े थे, मतलब एक दूसरे के चिपके खड़े थे। और यहाँ पी कितने डाली जा रही है, एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। टाइम हो गया है 9:30 और आधे घंटे में लैंड हो जाएंगे। लैंड होने के बाद देखते हैं क्या प्रोसीजर है क्या नहीं, भगवान जाने। तो देखते हैं मेरा क्या है, अभी अमृतसर से मुझे जाना है चंडीगढ़, बाहर निकलते हुए तकरीबन 11 बज जाएंगे, 11:30। बाकी डिपेंड करता है क्या प्रोसीजर है इनका। उसके बाद फिर जाऊँगा यहाँ से टैक्सी लेके चंडीगढ़ के लिए, और फिर चंडीगढ़ से मेरी दोपहर को फ्लाइट है 12:30 बजे, तो 12:30, और फिर 5:30 चंडीगढ़ से मुंबई, एंड देन पता नहीं कुछ पता नहीं है। तो चलो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं आगे और शूट करूँगा, बस हो गई है, बैंड बज गई है, सुबह से निकला हुआ। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी सेफ, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, वेयर ऑल दी सेफ्टी गियर्स, सी यू टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप ये सोशल डिस्टेंसिंग इंजॉय करो। कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, बट मोस्टली खड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हो, मैं लास्ट कॉर्नर में खड़ा हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है, सिंगल सीट पे था। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन कर रहे हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, सी यू, बाय बाय।